हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का विषय 2 है और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का ये चैप्टर का नाम है। फिर ये पार्ट 3 है, तो इसके दो पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो स्टडी स्टार्ट करना था ये 6 से होगा, 6 पॉइंट से, नगर एवं व्यापार। तो नए नगर, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उपमहाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इसमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इनके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहां से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मथुरा जो था वो व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि का उस समय केंद्र था। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ से भिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेष्ठ श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जैसे मथुरा का जो प्राचीन जो जगह है, उसमें वृंदावन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आज भी बहुत से लोग रहते हैं। और वहाँ की आपको चौड़ी सड़कें नहीं मिलेंगी, वहाँ पर गलियाँ ही गलियाँ हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ तो उसमें जा ही नहीं सकती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। इनमें अधिकांश में जो स्थल हैं उनमें व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है। तो खुदाई इसलिए नहीं की जा सकती कि आज भी वहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, तो कैसे उसमें खुदाई करना उसमें संभव नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, जिन चमकदार कलाई चढ़ी है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ, उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और स्थल मिले थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी है। इन्हें उत्तर कृष्ण मंजीत पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी भी मिले हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। दानात्मक अभिलेख मतलब जिसमें दान का वर्णन किया गया है। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, और नेक्स्ट पेज पे है, थोड़ा सा इसमें मैं पिक्चर आपको दिखा दूं। ये देखिए, एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, तो पिक्चर के बारे में दिया हुआ है, एक प्रतिमा की भेंट या मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्रकृत में अभिलेख है, प्रकृत भाषा में होना चाहिए, प्रकृत में अभिलेख है जिसमें
कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल से में स्थापित किया था। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, इसे भी पढ़ते चलते हैं। यहाँ पर पाटलिपुत्र का इतिहास। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटिल ग्राम नाम के एक गांव में हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इनका नाम बदल दिया। 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी तथा एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री वैन सोंग 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। तो ये पाटलिपुत्र के बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, देखिए तक्षशिला, कुषाण, फिर यहाँ पे गुप्तों का शासन था, वकाटक, शक, सातवाहन, ये शासन दिखाया हुआ है कहाँ पर किसका शासन था। हाँ तो हम यहाँ पे थे। बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यवसायियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिसे श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसमें सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे उपकरण का प्रयोग किया हो। तो किस प्रकार से काम करते थे, तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रेणी। श्रेणी क्या थी इस पर ही क्वेश्चन बता है कि उत्पादक या व्यापारियों के संघ का उल्लेख हमें श्रेणी के रूप में मिलता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों को मानो जाल बिछ गया था। तो 6वीं शताब्दी में ही ऐसा दिखने लगा था, फिर कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इस मार्ग पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उनसे धन लेते थे। जैसे कि प्राचीन काल में जैसे चुंगी का आपने सुना होगा, तो चुंगी या कर लेते थे इस मार्ग से जाने के लिए। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े, खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक होती थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मसथुवन और प्रकृत में सत्थवाह और सोठी के नाम से प्रसिद्ध है। तो तमिल भाषा में जो ये दिया हुआ है मसथुवन और प्रकृत में सत्थवाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी होते जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। एक मिनट,
रोम साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटी की भारी मांग थी। इन सभी व्यापारियों को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। तो ये तो हो गई व्यापार की बात। अब थोड़ा सिक्के की बात कर लेते हैं, सिक्के और राजा के बारे में। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन में विनियम कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के सबसे पहले ढले गए और प्रयोग में आए। तो सबसे जो प्राचीन सिक्का था वो था आहत सिक्का। आहत सिक्का इसलिए कहते थे, इस पर एक स्टैम्प की तरह यूज होता था, उस पर मारकर एक स्टैम्प जैसा लगाया जाता था, इसलिए इसे आहत सिक्के कहा जाता था। तो पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों में पता लगाया। आह सिक्के से सॉरी एक मिनट। आह सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंश के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह सभी संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के लिए सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण राजाओं ने जारी किया। और सोने के सिक्के की जब बात आती है तो हम देंगे कुषाण। एक मिनट, ये रहा सोने के सिक्के, कुषाण राजाओं ने जारी किए। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राट तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरातत्वों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापार प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरातत्वों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह पुष्ट सॉरी इन जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमा से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोम साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोम साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के यौधेय यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली राज्यों ने भी सिक्के जारी किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में यौधेय कबायली गणराज्य ने भी सिक्के जारी किए। और ये किधर आता है, इस पर क्वेश्चन था, पंजाब और हरियाणा यौधेय कबीले गणराज्य ने भी सिक्के जारी किए। पूरा विदों को यौधेय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनमें यौधेय की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। तो किसके सिक्के मिले हैं, तो तांबे के, ये ध्यान रखा गया। और ये कहाँ पर है, पंजाब हरियाणा के यौधेय कबीले। आगे है सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। हाँ, यहाँ पे है सोने के भव्य सिक्कों में से कुछ शासकों ने जारी किए। इसके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे
यह संकेत मिलता है कि इस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोम साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा, जिससे दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना था कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उसका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? तो ये मत दिए हुए हैं सिक्के के बारे में कि इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पीछे पेज में छूट गया है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये दिया है मालाबार तट के बारे में या आधुनिक जो केरल है उसे। यहाँ एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एंथ्रियन सी का एक अंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके लेखक ज्ञात नहीं है, अज्ञात हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन काफ़ी बनते रहते हैं। तो ये है लगभग प्रथम शताब्दी में भारी मात्रा में काली मिर्च और दाल चीनी खरीदने के लिए बाजार आने वाले नगरों में से विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, चीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में से विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंग, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशम वस्त्रों, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरों और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भी भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमल नाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग को पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्तीय बंदरगाह तक स्थानीय व्यापार लाए होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी जो है, इससे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है व्यापार के बारे में। और ये बता दूं कि इसके लेखक अभी तक अज्ञात है, किसने लिखा था ये जानकारी अभी तक नहीं है। आगे चलते हैं। तो हम आ गए हैं मूल बातें, यहाँ दे रहा है मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेख का क्या लिखा है, यानी कि अभिलेख पर क्या लिखा हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें कैसे पता चलती है? तो ये देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रहे हैं, ये एक गुप्त सिक्का है, ये देखिए। इसके बाद योद्धेयों का भी दिया हुआ है, ये देखिए, ये दिया है एक योद्धेय सिक्का जो कि तांबे के होते थे और गुप्त काल के सोने के होते थे। और यहाँ दिया हुआ है एक और सिक्का। आहत शब्द से स्पष्ट है कि इस सिक्के पर प्रतीक को आहत कर उन्हें बनाया जाता था, यानी स्टैंप की तरह बनाया जाता था। ये देखिए, ये रहा आहत सिक्का। और यहाँ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है, इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातु का विश्लेषण, जिन शब्दों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है।
फिर यहाँ दिया हुआ है दूसरे पेज पर भी एक पिक्चर है, अशोक का शिलालेख। ये देखिए अशोक का शिलालेख है, पिक्चर में छोटा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इस पे कुछ लिखा हुआ है, और अशोक का एक अभिलेख इसमें ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब जो ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ क, इसका छ, इसका ढ, फिर यहाँ पे दिया है द, फिर म, फिर र। यानी थोड़ा सा डिफरेंट है जो यहाँ पे बताया गया। पूरा शास्त्र जो पूरा तत्ववेत्ता है वो किस तरह से लिपि को पढ़ते हैं, तो उसको डिकोड करके यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है, अशोक के समय ब्राह्मी व उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर। ये देवनागरी अक्षर और ये ब्राह्मी, जिसमें कि अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी किया हुआ है, क्या कुछ देवनागरी अक्षर ब्राह्मी से मिलते जुलते हैं, क्या कुछ भिन्न भी हैं? तो आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ मिलते जुलते तो नहीं दिख रहे हैं, शायद कह सकते हैं थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो अब इस पे पढ़ते हैं, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया। 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरीय लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की गई। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में है। फिर भी कई दशकों तक अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बाद जेम्स प्रिंसप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ने वाले थे वो जेम्स प्रिंसप थे। इनका क्वेश्चन बहुत बनता है, तो कब किया था? 1838 में। इसके बाद है खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंदू यूनानी राजाओं लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी में लिखे हैं। तो किस भाषा में लिखे हैं? तो यूनानी और खरोष्ठी में लिखे हुए मिले हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में, हाँ, दोनों यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीत मान लीजिए अ प्रयुक्त किया गया। क्योंकि प्रिंसेप ने खरोष्ठी में लिखे अभिलेख की भाषा, दूसरे पेज पे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसीलिए लंबे अभिलेख को पढ़ना सरल हो गया। फिर अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य की बात कर रहा है। इतिहासकारों और अभिलेख शास्त्रों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख सुरुटेन के शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया, जैसे देव नाम पिया अर्थात देवताओं का प्रिय, और पियदसी यानी देखने में सुंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है कि अशोक के और क्या नाम थे, तो देवनाम प्रिया और प्रियदसी, देखने में सुंदर इसका अर्थ है। फिर आगे है, अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिनमें से उनकी उपाधियां भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पाया
पता लगाया कि उनके विषय शैली भाषा पुरा लिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। फिर आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा कि उनमें पहले के शासक ने रिपोर्ट एकमात्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपीय इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह मंतव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेख में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि जो उनमें लिखा है वह सत्य है, संभव है या फिर अतिशयोक्ति है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्रीय प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ ना बदल जाए, मतलब जो लिखा है उसमें कुछ और ऐड ना हो जाए। इतिहासकारों को और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा ने आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृत पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसमें दिया हुआ है क्या, और यहाँ नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। तो अधिकांश लोग वाकई में वहाँ पर पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो किस तरह से इसका होता था? और यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर देख लेते हैं। ये है हिंद यूनानी शासक मेनेडर का सिक्का। तो ये देख लीजिए, ये है सिक्का। और यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, राजा के आदेश, राजन देवना प्रिया या प्रियदसी या कहते हैं कि अतीत में मसालों को निपटाने और नियमित रूप से, एक मिनट सॉरी इसमें कुछ मैंने गलत पढ़ दिया है, तो राजन देवना प्रिया प्रियदसी यह कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन एक मिनट लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है, लोगों के समाचार हम तक पति वेदक सदैव पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी रहूं, खाना खा रहा हूं, अंतापुर में हूं, विश्राम कक्ष में हूं, गौशाला में हूं या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूं, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूंगा। तो हम यहाँ पे थे, अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर क्या के बाद यहाँ हमें देखना था, पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे, क्या राजा के आदेश का पालन किया जाता था? इन प्रश्नों के उत्तर पाना सदैव आसान नहीं है। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं, जिनकी व्याख्या प्रायः अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है, जैसे कि कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध करना छोड़ दिया था। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के पूरे समझ का प्रयास करते हैं तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है, अर्थात यह अभिलेख उन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है जिन पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं? क्या राजा की नई विजयों की वेदना उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ डिटेल राजा की वेदना के बारे में। जब
देवनाप्रिया प्रियदसी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग युद्ध, आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कलिंग मतलब उड़ीसा भी आता है लिखकर। तो 1.5 लाख लोगों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और उससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनाप्रिया धम्म के गहन अध्ययन, धम्म की स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए, यानी बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। यदि देवनाप्रिया के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है, देवनाप्रिया के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहां लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। तो देवनाप्रिया जहां लिखा हुआ है, ये सभी अशोक के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर आ जाते हैं अब अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिससे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्द के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें, इनमें से कुछ का उल्लेख काल रेखा 2 में किया गया है, तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने के वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहते हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते। यह प्रकाशित किए गए हैं या उनके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त और उनके अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वहाँ संभवतः कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं, मतलब थोड़े ही अभिलेख बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं कि जिसे हम आज राजनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो। उदाहरण के तौर पर खेती की दैनिक प्रक्रियाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेखों में नहीं मिलता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं उस समय की जो कि अभिलेखों से जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, यानी जैसे अशोक ने बनाया तो अशोक के बारे में ही उसमें काफ़ी उसके जो आदेश जारी किए और जिस धर्म को अपनाया, इस सब की जानकारी इस अभिलेखों से हमें पता चलती है। लेकिन रोजमर्रा दैनिक जीवन की जानकारी का हमें ज्ञान इससे नहीं होता है, इसीलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों के समीक्षा अन्य विचारों के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। फिर यहाँ थोड़ा सा दिया हुआ है, अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता। सही बात है, सारी जानकारी तो अभिलेख से हमें नहीं प्राप्त होती है। साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों पर आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजा के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य से आर्थिक परिवर्तन, विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी जो सामाजिक हाशियाओं पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाए और विश्लेषण की नई विधियां विकसित की जाएं।
विकसित होंगी, सॉरी। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक पिक्चर दी हुई है, ये देखिए, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देती हूँ। ये है कर्नाटका से प्राप्त एक ताम्र लेख, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी का है, और देखिए इसमें कितना छोटा छोटा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये चैप्टर्स अब फिनिश ही हो गया है। ये लास्ट में काल रेखा मतलब महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रोपाई गंगा घाटी के नगरीय महाजनपद और आहत सिक्के, ये सब प्राप्त हुए हैं इस समय के दौरान। और लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ रही थी, और 327 से 325 तक सिकंदर का आक्रमण माना जाता है, और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। इसके अलावा 272 से 268 से 231 ईसा पूर्व अशोक का शासन माना जाता है, फिर 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासन का अंत हो गया। 200 से 100 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर में शक शासक दक्षिण भारत में चोल चेर व पांड्य दक्कन में सातवाहन का उदय हुआ था। फिर लगभग 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमोत्तर के शक मध्य एशिया के लोग शासक रोमन व्यापार सोने के सिक्के इत्यादि प्राप्त हुए। फिर 78 में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। 100 से 200 ईसा पूर्व में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त हुए। ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर 320 में गुप्त शासन का आरंभ हुआ, और 335 से 375 में समुद्रगुप्त का शासन रहा। 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय के वकाटक का। फिर इसके बाद 500 से 600 कर्नाटका में चालुक्य का उदय, और तमिलनाडु के पल्लवों का उदय हुआ। 606 से 647 तक कन्नौज के राजवंश चीनी यात्री वेनसोंग की यात्रा, और 712 में अरब की सिंध की विजय। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। मैं एक बार और स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ। और कल फ्रेंड्स सैटरडे है, और सैटरडे को मैं अब फर्स्ट पेपर सैटरडे को फर्स्ट पेपर का स्टडी कराऊंगी। बाकी दिन हम रेगुलर हिस्ट्री की ही स्टडी करेंगे। तो कल वेट करिए, कल मैं फर्स्ट पेपर के जो भी प्रैक्टिस सेट है या ओल्ड पेपर या उसका डिस्क्रिप्टिव कल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।